बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बढ़िया प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा, साथ ही वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली। इस दौरान बढ़िया बीडीओ और सीओ भी मौजूद रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, इन लोगों को मानक के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन से लगातार बात कर बाढ़ के हालात और राहत बचाव को लेकर के जानकारी ली जा रही है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज कई जगह सड़क पर भी पानी एनएच पर बह रहा है। आज कई गांव डूब गया है, कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बरहिया नगर के अंदर, गांव के अंदर सभी लोग यहां राहत कैंप में आए हैं और राहत सामग्री की व्यवस्था शुरू की गई है और ये विधिवत और बेहतर ढंग से जानवरों के चारा के लिए, बच्चों के दूध के लिए, दवाई के लिए सब मॉनिटरिंग अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीएम से भी हमारी बात हुई है कि हर जगह पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि आपदा प्रबंधन के जो एसीएस हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी प्रत्येजी से, पूरी तरह से सरकार सजग है, किसी को भी समस्या प्रॉब्लम नहीं हो, हर तरह के राहत पहुंचाया जाएगा और कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बढ़िया प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा, साथ ही वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली। इस दौरान बढ़िया बीडीओ और सीओ भी मौजूद रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, इन लोगों को मानक के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन से लगातार बात कर बाढ़ के हालात और राहत बचाव को लेकर के जानकारी ली जा रही है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज कई जगह सड़क पर भी पानी एनएच पर बह रहा है। आज कई गांव डूब गया है, कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बरहिया नगर के अंदर, गांव के अंदर सभी लोग यहां राहत कैंप में आए हैं और राहत सामग्री की व्यवस्था शुरू की गई है और ये विधिवत और बेहतर ढंग से जानवरों के चारा के लिए, बच्चों के दूध के लिए, दवाई के लिए सब मॉनिटरिंग अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीएम से भी हमारी बात हुई है कि हर जगह पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि आपदा प्रबंधन के जो एसीएस हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी प्रत्येजी से, पूरी तरह से सरकार सजग है, किसी को भी समस्या प्रॉब्लम नहीं हो, हर तरह के राहत पहुंचाया जाएगा और कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बढ़िया प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा, साथ ही वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली। इस दौरान बढ़िया बीडीओ और सीओ भी मौजूद रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, इन लोगों को मानक के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन से लगातार बात कर बाढ़ के हालात और राहत बचाव को लेकर के जानकारी ली जा रही है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज कई जगह सड़क पर भी पानी एनएच पर बह रहा है। आज कई गांव डूब गया है, कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बरहिया नगर के अंदर, गांव के अंदर सभी लोग यहां राहत कैंप में आए हैं और राहत सामग्री की व्यवस्था शुरू की गई है और ये विधिवत और बेहतर ढंग से जानवरों के चारा के लिए, बच्चों के दूध के लिए, दवाई के लिए सब मॉनिटरिंग अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीएम से भी हमारी बात हुई है कि हर जगह पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि आपदा प्रबंधन के जो एसीएस हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी प्रत्येजी से, पूरी तरह से सरकार सजग है, किसी को भी समस्या प्रॉब्लम नहीं हो, हर तरह के राहत
पहुंचाया जाएगा और कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बढ़िया प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा, साथ ही वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली। इस दौरान बढ़िया बीडीओ और सीओ भी मौजूद रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, इन लोगों को मानक के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन से लगातार बात कर बाढ़ के हालात और राहत बचाव को लेकर के जानकारी ली जा रही है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज कई जगह सड़क पर भी पानी एनएच पर बह रहा है। आज कई गांव डूब गया है, कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बरहिया नगर के अंदर, गांव के अंदर सभी लोग यहां राहत कैंप में आए हैं और राहत सामग्री की व्यवस्था शुरू की गई है और ये विधिवत और बेहतर ढंग से जानवरों के चारा के लिए, बच्चों के दूध के लिए, दवाई के लिए सब मॉनिटरिंग अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीएम से भी हमारी बात हुई है कि हर जगह पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि आपदा प्रबंधन के जो एसीएस हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी प्रत्येक जी से, पूरी तरह से सरकार सजग है, किसी को भी समस्या प्रॉब्लम नहीं हो, हर तरह के राहत पहुंचाया जाएगा और कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बढ़िया प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा, साथ ही वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली। इस दौरान बढ़िया बीडीओ और सीओ भी मौजूद रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, इन लोगों को मानक के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन से लगातार बात कर बाढ़ के हालात और राहत बचाव को लेकर के जानकारी ली जा रही है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज कई जगह सड़क पर भी पानी एनएच पर बह रहा है। आज कई गांव डूब गया है, कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बरहिया नगर के अंदर, गांव के अंदर सभी लोग यहां राहत कैंप में आए हैं और राहत सामग्री की व्यवस्था शुरू की गई है और ये विधिवत और बेहतर ढंग से जानवरों के चारा के लिए, बच्चों के दूध के लिए, दवाई के लिए सब मॉनिटरिंग अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीएम से भी हमारी बात हुई है कि हर जगह पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि आपदा प्रबंधन के जो एसीएस हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी प्रत्येक जी से, पूरी तरह से सरकार सजग है, किसी को भी समस्या प्रॉब्लम नहीं हो, हर तरह के राहत पहुंचाया जाएगा और कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।